एक जर्नलिस्ट की फ्रेंड उसे अपने एक बड़े बिजनेसमैन के साथ अफेयर के बारे में बताती है। उसके एक वीक बाद ही उसका मर्डर हो गया था। अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जर्नलिस्ट उस बिजनेसमैन के लिए काम करने लगती है। स्लोली स्लोली बहुत सारे राज बाहर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको परफेक्ट स्ट्रेंजर 2007 की एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी एंडिंग भी ट्विस्टेड है जो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रोविना को देख सकते हैं। रोविना एक जर्नलिस्ट है और आज एक सेनेटर की इंटरव्यू लेने के लिए वो आई हुई थी। उसे बात करने के बाद उसे कहती है कि तुम एक गे हो फिर भी गे राइट्स के अगेंस्ट हो, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। सेनेटर के सिगरेट्स के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसे दबाने के लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी था, पर रोविना इस बात के लिए नहीं मानती। वो अब सेनेटर को एक्सपोज करने वाली थी तो इसके लिए बहुत ही खुश थी। अपने कलीग माइल्स के साथ इसे सेलिब्रेट कर दिया। पर अगले दिन उसके बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया, कहा तुम्हारा सोर्स अब पलट चुका है। सेनेटर ने उसके सोर्स को बहुत सारे पैसे दे दिए और इस वजह से अभी स्टोरी वो रन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक रिलायबल सोर्स नहीं है। रोविना इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी क्योंकि उसके करियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी हो सकती थी। वो गुस्से में स्टेशन पर आई और वहीं पर अपनी ओल्ड फ्रेंड ग्रेस से मिलती है। ग्रेस ने उसे बताया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी है। हैरिसन हिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर था। ग्रेस ने कहा कि एक फंक्शन में मैंने उसे देखा हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली उसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया। हम दोनों की बातचीत होने लग गई और हम फ्लर्ट भी करते थे। एक दिन मैं डायरेक्टली न्यूयॉर्क आके उसके सामने आके उसके बाद क्या था, हम दोनों इंटीमेट हो गए। इसी तरीके से हमारा अफेयर चला, पर एक दिन अचानक से उसने कॉल करना ही बंद कर दिया। ग्रेस चाहती थी कि रोविना हैरिसन हिल को बदनाम करे। ग्रेस और रोविना बचपन से एक दूसरे के नेबर्स थे, पर हम रोविना के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि ग्रेस से मिलकर वो इतनी खुश नहीं थी। घर आने के बाद रोविना ने हैरिसन पर जरा रिसर्च किया, पर इसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। एक दिन रोविना को ग्रेस की मदर का कॉल आया। वो कहती है कि ग्रेस घर पर ही नहीं आई, उसके लिए बहुत ही वरीड थी। रोविना ग्रेस की मदर को कहती है कि ग्रेस को कुछ भी नहीं हुआ, एक वीक पहले ही तो मैंने उसे बात की थी। हॉस्पिटल से कॉल आया था, ग्रेस की डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए रोविना को बुलाया जाता है। रोविना फिर हॉस्पिटल पर गई। वहां पर डेड बॉडी की आग वगैरह सब कुछ स्वोलन थे। ग्रेस की बॉडी पर टैटू से रोविना उसे पहचान लेती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। रोविना ग्रेस की मदर को प्रॉमिस करती है कि जिसने भी ये किया होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ आजकल उसके झगड़े चल रहे थे, पर उसने नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में रोविना ने माइल से बात की। माइल साइबर सिक्योरिटी में है। रोविना हैरिसन और ग्रेस के बीच में जो भी चैटिंग हुई थी इसके बारे में जानना चाहती थी। उसे लगता है कि शायद हैरिसन हिल ने ये सब करवाया हो सकता है। माइल्स भी ग्रेस को जानता था, तो रोविना ने उसे पूछा क्या तुम उसके कॉन्टेक्ट में थे। माइल्स ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ग्रेस इंटीमेट हुई है उसके बाद मैंने उससे कोई भी संबंध नहीं रखे, यही रीजन था रोविना ग्रेस से अपसेट थी। माइल्स सारी चीजें पता करता है। ग्रेस से जो चैट करता था उसका यूजर नेम एडेक्स है। अगर रोविना प्रूव कर पाए कि हैरिसन हिल ही एडेक्स है तो इस क्राइम से उसे वो कनेक्ट कर सकती है। यही काम करने के लिए एक फेक आईडी बनाकर वो हैरिसन हिल के लिए अब काम करने वाली थी। ये सब करने के लिए माइल्स उसे हेल्प करता है। रोविना का एक बॉयफ्रेंड भी है जो माइल्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि माइल्स उसे लाइक करता है। इसके बाद हमें हैरिसन हिल दिखाया जाता है। ये इस टाइप का कैरेक्टर है कि अगर उसके साथ किसी ने धोखा किया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो खुद धोखेबाज है। अपने वाइफ पर चीट करता है, अपने मेंटर से क्लाइंट चुरा लेता है। रोविना जब उसके लिए काम करने लगे तो उसे नोटिस करता है। माइल्स को ग्रेस की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि ग्रेस को पॉइजन देकर मारा गया था, पर ये पॉइजन उसकी आंखों में डाला था। जब उसका मर्डर हुआ तब वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सारी बातें वो रोविना को बता देता है। रोविना को ये सब डिस्टर्बिंग लगा, पर फिर भी अपने जॉब पर वो फोकस कर दिया। अपने कलीग से उसने हैरिसन के बारे में पूछा, उसके अफेयर्स के बारे में पूछा। कलीग ने कहा कि हैरिसन के बहुत सारे अफेयर हुआ करते थे। खुद के ऑफिस में भी 2000 उसके अफेयर थे। उस पर केसेस वगैरह भी हुई थी, पर उसके पास बहुत सारे पैसे है, उसने इसे निपटा दिया। उसकी वाइफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर उनका डिवोर्स होता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इस वजह से अब तक वो उसके साथ है। वो सिर्फ वेट कर रही है हैरिसन को अफेयर करते हुए पकड़ने का। इसके बाद डिवोर्स लेकर उसके बहुत सारे पैसे लेकर वो चली जाएगी। घर पर माइल्स रोविना के लिए चैट के लिए सेटअप करवा देता है। अब वो हैरिसन की एक्स एम्प्लॉय के नाम से हैरिसन से चैट करेगी, ये सब कन्फर्म करने के लिए कि हैरिसन ही एडेक्स है। यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे थे कि हैरिसन की वाइफ ने मर्डर किया हो सकता है क्योंकि उसके पास ही पैसों का मोटिव है। रात में हैरिसन से चैट करते वक्त रोविना जरा कतरा रही थी,
पर माइल्स उसके पीसी का कंट्रोल लेकर डायरेक्टली हैरिसन से कॉन्टैक्ट कर देता है। जब तक हैरिसन और रोविना ने बात की तब तक माइल्स ने हैरिसन के सारे चार्ज निकाल लिए थे। माइल्स ने रोविना की परमिशन लिए हुए ये सब किया था तो इस वजह से रोविना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे ये सब फिर से करने के लिए मना कर दिया। रोविना की फिर हैरिसन से रेगुलरली बात करना स्टार्ट हो गया था। ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते थे। रोविना ने उसे कहा कि मैं पहले तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। हैरिसन फिर डायरेक्टली उसे उसकी फोटो मांग लेता है। रोविना ने जल्दी से माइल्स को कॉल लगाया और कहती है कि कंपनी के डेटाबेस से वेरोनिका नाम की लड़की का एक फोटो निकालो। हैरिसन चैट को बंद कर दे इससे पहले माइल्स ने फोटो उसे भेज दी। ये फोटो रोविना के पीसी पर ही थी तभी सामने से हैरिसन आ गया। ये वो पीसी बंद करने का बहुत ट्राई करती है और फाइनली उसे बंद कर दिया। हैरिसन रोविना से भी फ्लर्ट कर रहा था। उसने कहा कि मैं पास के बार में हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। रोविना ने कहा कि अगर मुझे लगा तो लास्ट में मैं आ जाऊंगी। आज रात रोविना और माइल्स की ग्रेस के केस के इन्वेस्टिगेटर के साथ मीटिंग थी। वहां से उन्हें पता चलता है कि जिस पॉइजन की वजह से ग्रेस की डेथ हुई ये पॉइजन बहुत ही कॉमन है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इसका नाम है बेलाडोना। इसके बाद बार में मिलने के लिए रोविना हैरिसन के पास आई। हैरिसन उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है, कहता है पूरे टाउन में सिर्फ यही पर ही मिलता है। आज हैरिसन ने अपने एक एम्प्लॉय को मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने धोखा दिया है। इसके बारे में रोविना उसे पूछती है तो हैरिसन कहता है मुझे धोखा देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो रोविना ने कहा हम दोनों यहाँ कर क्या रहे, तुम्हारी वाइफ है पर फिर भी तुम मेरे साथ हो। ये बात हैरिसन को अच्छी नहीं लगी। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर देता हूँ, वो तुम्हें घर पर छोड़ देगी। घर पर आने के बाद रोविना फिर से हैरिसन के साथ चैट करने लग गई। ये आज रात डर्टी चैट कर रहे थे पर हम देख सकते हैं कि माइल्स बहुत ही ड्रंक था और वो हैरिसन का ढोंग लेकर उसके अकाउंट से रोविना से बात कर रहा था। अगले दिन सुबह रोविना से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया। ये वही बॉयफ्रेंड है जो क्रेज के साथ भी इंटीमेट हुआ था। माइल्स रोविना को कॉल करता है तभी उसने बैकग्राउंड में उसके बॉयफ्रेंड का आवाज सुना। माइल्स इस पर गुस्सा हो गया, कहता है तुम अभी भी उसको डेट क्यों कर रही हो, उसने तुम पर चीट किया था। रोविना इस बात को मानने नहीं वाली थी तो माइल्स ने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज रात पुलिस स्टेशन जाकर एक डीएनए टेस्ट लेने वाला है। पुलिस को लगता है कि ग्रेस का बेबी उसका ही था। इस पर रोविना गुस्सा हो गई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट किया। बॉयफ्रेंड भी गिल्टी महसूस करता है, कहता है कि शायद वो बेबी मेरा हो सकता था। रोविना ने फिर गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लिया। वो जरा अपसेट होकर काम पर जा रही थी पर नीचे हैरिसन उसका वेट कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहता हूँ। कल रात जो भी हुआ इसको हैरिसन ने इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। नेक्स्ट दिन में माइल्स और रोविना डिस्कस कर रहे थे। माइल्स ने हैरिसन की वाइफ के बारे में भी जरा इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उसे पता चला कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अगर इनको हैरिसन की ईमेल का एक्सेस मिल गया तो बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। माइल्स डायरेक्टली से हैक नहीं कर सकता था तो उसने रोविना को एक यूएसबी दिया, कहता है कि इसे जाकर हैरिसन की पीसी पर लगा दो, इसे इन्हें ईमेल का एक्सेस मिल जाएगा। रोविना भी रात में जाकर हैरिसन की पीसी पर यूएसबी लगा देती है पर पीसी में बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था जो इस तरीके के अटैक को रोकता है। अचानक से हैरिसन ने रोविना को अपने ऑफिस में पकड़ लिया। वो पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। रोविना कहती कि मैं तुम पर स्पाई नहीं कर रही थी। हैरिसन को बिलीव नहीं हो रहा था तो रोविना ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक लिस्ट छोड़ने के लिए आई हुई थी। तुमने कहा था कि वो ड्रिंक कहीं भी नहीं मिलता पर मैंने सर्च किया, आसपास 17 रेस्टोरेंट है जहां पर वो ड्रिंक मिलता है, उसी की लिस्ट में तुम्हें देने के लिए आई हुई थी। इतनी सारी डिटेल्स देखकर हैरिसन भी उस पर ज्यादा शक नहीं करता। वो फिर उसे कहता है चलो मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलो। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में रोविना वॉशरूम गई तभी उसका मोबाइल बजता है। ये मैसेज माइल से आया हुआ था। वो कहता है कि ठीक है मैं हैरिसन के कंप्यूटर में घुसने का कोई अनादर वे ढूंढ लूंगा। इस बात से हैरिसन कन्फर्म हो गया कि रोविना उस पर स्पाई कर रही है। वो जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो कहता है कि अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हैरिसन को लग रहा था कि रोविना पुलिस के लिए काम करती है। रोविना भी उसे सच नहीं बताती। हैरिसन को जो लग रहा था उसके हाँ में हाँ मिलाती है। हैरिसन उस पर बहुत गुस्सा था, कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मार डालो पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब अगले दिन माइल्स ही हैरिसन के ऑफिस में पहुंच गया। वो कहता है कि मैं आपके आईटी डिपार्टमेंट से आया हुआ हूँ, कल रात किसी ने आपके पीसी को एक्सेस करने का ट्राई किया तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। हैरिसन भी उस पर बिलीव कर लेता है। माइल्स को जो भी चाहिए था ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल गई। यहाँ की टूर लेते वक्त हैरिसन की वाइफ जो फोटोज निकालती है ये फोटोज माइल्स ने देखी। उसे पता चला कि हैरिसन की वाइफ ने बहुत सारे लोगों को ड्रग कर उनका फोटो शूट किया था, सबकी आंखों की फोटो ली थी। ये सारी चीजें बहुत ही लीगली हुई थी पर ये चीज डायरेक्टली हैरिसन हिल को ग्रेस के मर्डर से कनेक्ट करती है। अब इनके पास हैरिसन के खिलाफ सारे सबूत थे। रात में रोविना माइल्स से मिलने के लिए उसके घर पर आई। माइल्स के क्लोजेट से कुछ आवाज आ रही थी।
वो उसके पीसी की थी जो उसने क्लोजेट के एक सीक्रेट रूम में रखा हुआ था। रोविना अंदर जाकर देखती है तो उसकी सारी तस्वीरें वहां लगी हुई थी। माइल्स रोविना के प्यार में अब्सेस्ड हो चुका है। उसके पीसी पर उसने देखा तो अलग अलग लड़कियों के न्यूड फोटोज पड़े हुए थे। इसमें ग्रेस का भी फोटो है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। जब माइल्स घर पर पहुंचा तो कहती है तुमने ये सब किया है। माइल्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ग्रेस के साथ एक बार इंटीमेट हुआ था, उसके सारे फोटोज है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया। हैरिसन के खिलाफ उसने जो भी सबूत लाए हैं ये सारे सबूत वो रोविना को दिखाता है। रोविना यहाँ से अपसेट होकर चली गई, पर हैरिसन हिल को उन्होंने फ्रेम कर दिया था। उसे पुलिस पकड़ते कोर्टरूम में उस पर केस चलता है और उसे गिल्टी करार दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रोविना के वॉशरूम में वही पॉइजन है जिस पॉइजन से ग्रेस की डेथ हुई थी। माइल्स ने रोविना के घर में यह सब देख लिया था। वो उसे पूछता है कि तुमने ग्रेस को मारा क्यों। रोविना का फिर हमें फ्लैशबैक पता चलता है। वो जब छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसे अब्यूज किया करते थे। एक बार ये करते हुए रोविना की मदर ने उन्हें देख लिया। गुस्से में उसने स्टेप फादर को मार दिया था। फिर रोविना उसकी मदर ने इन सारी चीजों को कवर कर दिया। अपने बैकयार्ड में फादर की बॉडी को उन्होंने बरी कर दिया था। जैसे कि हमें पता है कि ग्रेस और रोविना ये बचपन से एक दूसरे की नेबर थी। ग्रेस ने सारी चीजें देख ली थी और बचपन से वो रोविना को ब्लैकमेल करती आ रही थी। उस रात जब वो स्टेशन पर रोविना से मिली और हैरिसन हिल के बारे में बताया, उस रात भी उसे ब्लैकमेल ही कर रही थी। रोविना इस सब से तंग आ गई। उसे कभी ना कभी तो एंड करना ही था, तो उसने मौके का फायदा उठाया और ग्रेस को मार डाला। ये सब माइल्स ने फिगर आउट किया जब रोविना के पीसी पर उसने हैरिसन हिल को सर्च किया था, तो वहां ऑलरेडी रोविना ने हैरिसन को सर्च कर रखा हुआ था। हैरिसन की वेबसाइट से रोविना को पेंटिंग में पॉइजन यूज किया गया था इसके बारे में पता था। इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर उसने एक परफेक्ट मर्डर किया। ये सब चीजें रोविना जब माइल्स को बता रही थी तो माइल्स भी उसे सहारा देता है। वो कहता है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, पर अब ये मुझे पता चल चुका है इस राज को राज रखने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। वो रोविना के साथ इंटीमेट होना चाहता था। रोविना को माइल्स की घिन आई और उसे भी मार देती है। उसने फिर उसके पास जो पॉइजन था ये माइल्स के हाथ में रख दिया। माइल्स के नाखूनों से अपने आप पर वार कर दिया और फिर वो पुलिस को कॉल लगा दिया। उसने सारी चीजें इस तरीके से स्टेज की थी कि माइल्स ने सब कुछ किया हुआ है। वो फिर से और एक मर्डर करके बच गई थी, पर इस बार भी रोविना को उसका नेबर देख लेता है। इसी क्लिफहैंगर के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें रियलाइज करवाती है कि परफेक्ट मर्डर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हमने जो भी गलत किया इसके कंसिक्वेंसेस हमें भुगत नहीं पड़ते। माइल्स लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था, उसी तरीके से हैरिसन हिल ने भी अपनी वाइफ पर बहुत बार चीट किया था। ग्रेस का मर्डर हुआ क्योंकि रोविना को ब्लैकमेल कर रही थी, और फाइनली रोविना भी परफेक्ट मर्डर कर नहीं पाए। उसे फिर से अपने नेबर ने देख लिया है। हर बुरी एक्शन के लिए हमें भुगतना पड़ता ही है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।